जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर डी बैलेंस पे। तो साथियों देखिए, यहाँ पे जो है आप लोग का ट्रांसफर के जो रिजल्ट है, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो ट्रांसफर हुए उसका रिजल्ट जो है जारी किया जा चुका है। यहाँ पे देख लीजिए काउंसलिंग और राउंड वन, और यहाँ पे एक कैंडिडेट का देखिए, यहाँ पे हमने लॉगिन भी करा है। तो ये है कि यू गॉट अलॉटेड ट्रांसफर टू NSTI हल्द्वानी फॉर ट्रेड फिटर, मतलब इनका जो है और ट्रेड फिटर में के लिए जो है हल्द्वानी शिफ्ट हो गया है, मतलब कि ट्रांसफ़र हो गया है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कि अलॉटमेंट तो हुआ था, प्रोविजन भी कराए थे, बट उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सका, तो वैसे वो क्या करेंगे? तो देखिए अभी तो कोई विकल्प नहीं है। अभी आपको क्या करना होगा, अभी जहां अभी आप एडमिशन लिए हैं प्रोविजनल में, वहां आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक बार और होगा फाइनल राउंड ट्रांसफ़र, उसमें आपको फिर मौका मिलेगा, उस टाइम आप अपना ट्राई एक बार फिर से कर सकते हैं, ठीक है। और आज जो है सेकंड काउंसलिंग का लास्ट डेट है। जिनको भी कोई कॉलेज नहीं मिला था प्रोविजनल वाला, वो अपना जो है अभी आज लास्ट शाम के 5 बजे तक जो है आप कर लीजिएगा काउंसलिंग के लिए, सेकंड राउंड के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसको लॉगिन करके आप लोग को चेक करना है कि मिला या नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र का भी एक्नोलॉजमेंट जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, कि ट्रांसफ़र हो गया आपका। ये एक्नोलॉजमेंट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर देखिए दिया गया है, द ट्रांसफर अलॉटमेंट इज फाइनल एंड यू सीट एंड योर सीट टू ऑल स्टूडेंट इज कैंसिल, मतलब पुराना स्टूडेंट जिसमें हुआ था वो कैंसिल हो चुका है, और जो न्यू इंस्टीट्यूट में जो आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो ट्रांसफर हुआ है वो फाइनल है अब। और यहाँ पे देखिए, ट्रांसफर कैनॉट बी कैंसिल एंड ट्रांसफर इंस्टीट्यूट विल बी द फाइनल, मतलब अब देखिए यहाँ पे तो सिस्टम चेंज हो रहा है। अब पिछली बार तो फाइनल राउंड कराया गया था, इस बार अब फाइनल राउंड एक बार फिर से कराया जाएगा कि नहीं, ओवरऑल फाइनल ट्रांसफर, ये नोटिस आएगा उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लास्ट लाइन यहाँ पे जो लिख रहा है इसके कारण मैं कह रहा हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच।